इंदौर जिला कलेक्टर निशांत वरवड़े ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद नहीं रहने वाले अफसरों की जमकर लताड़ लगाई। डीएम साहब का ये कड़क मिजाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। देखिए रिपोर्ट। अपनी कुशल प्रशासनिक शैली और सख्त कलेक्ट्री के लिए पहचाने जाने वाले कलेक्टर निशांत वरवड़े का प्रशासनिक महकमे की बैठक में कड़क मिजाज देखने को मिला। मीटिंग में नहीं पहुंचने वाले लापरवाह अफसरों पर डीएम साहब जमकर भड़के और अधिकारियों की मीटिंग में ही लू उतार दी। नगर निगम से कौन आया? ये नहीं चलेगा यार। यार तो कौन ना उनके स्थान पे है, कुछ पता भी है आपको? उन्होंने बताया था कि जल्दी आज है कि परीक्षा होगा। आशीष को फोन लगा। सबसे इम्पोर्टेंट नगर निगम रहता है और आप लोग जो है वो चेंज कर देते हैं अपना, और ये बताते भी नहीं कि चेंज करना। मतलब मेरे को तो बहुत सारी बात करनी थी नगर निगम से। फिर आप जाओगे ब्लैंक होंगे। आपके साथ आप आए होंगे एक तो साथ, एक के साथ में एक फ्री, आप क्यों आए होंगे? नहीं, जो जानना चाहता हूँ ना कि भाई क्या ऐसा क्या है आप में जो अकेले क्यों नहीं आए आप, मतलब एक असिस्टेंट क्यों लेके आ जाते हैं? सर ये एलओएलएम वाले सर डूडा के बहुत सारे मैटर्स रहते हैं, वो मैंने ही रिक्वेस्ट किया हुआ है। दरअसल प्रशासनिक संकुल में नगर निगम से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर मीटिंग रखी थी, लेकिन निगम के ही अफसर मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिसके बाद कलेक्टर साहब गुस्सा हो गए। उन्होंने फोन पर अधिकारियों को लताड़ लगाई। करो यार आप ये टीएलए के लिए, ये यार ये नए चेहरे आ जाते हैं, मुझे अब मैं कंटिन्यूटी रहती उसको। यू असाइन वन पर्सन स्पेसिफिकली फॉर टीएलए ना, मतलब वो संतोष नाम, मुझे कुछ नहीं बताया उसने किसको, आपको शुभ नाम वीरवर शर्मा जी को भेज दिया उसने अपने हिसाब से। अब वो पिछले बात पिछले हफ्ते जो बात की थी वो मैं इनको नया समझाऊंगा बैठ के भी। तो मुझे बता तो देता ना वो क्या करना, फिर मैं नगर निगम के टॉपिक्स ही नहीं रखता, मैंने बाकी लोग को बुला दिया। तो तुम इसको खत्म करो और फिर एक बजे के आसपास तुम ऑफिस आना, जो बाकी मुद्दे थे अपन उस पर बात कर लेंगे। वो प्रेजेंटेशन नहीं मिला यार मेरे को, तुम एक बजे लेके आ जाना उसको। कुल मिलाकर हमेशा अपने बेबाक बयानों और त्वरित एक्शन के लिए मशहूर इंदौर जिला कप्तान निशांत वरवड़े ने एक बार फिर अपने तल्ख तेवरों से साफ कर दिया कि प्रशासनिक कार्यों में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।